सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त देवर रिलिक्स आ गया एक नई वीडियो लेके। आज हम करने जा रहे हैं कस्टम मैच। क्या हुआ, एक तरह से मैं एक क्लैश स्क्वाड रैंक खेल रहा था अपने वो जो मैंने पिछली वीडियो डाली है उसके बाद वाला क्लैश स्क्वाड रैंक। तो उसमें मेरे अपोनेंट में एकदम सेम टू सेम मेरे नाम ओनेजिव 256 नाम का सेम टू सेम बंदा मिला। तो उसने क्या करा, वो मेरे साथ खेल, उसने मेरे को बाद में रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट करा। वो मेरे को कह रहा है भाई तू मेरा नाम कॉपी करता है, तेरे को खेलना नहीं आता क्या ऐसे भाई, मेरे को उसने कहा उस बंदे ने। तो मैंने कहा भाई अगर तेरे को इतना ही गुरूर है अपने गेम प्ले पे तो आ जा फिर एक कस्टम करते हैं। तो फिर ये उसी कस्टम की बात है। तो आप देखो इस बंदे ने कितना ओपी गेमर है, ठीक है। इसने कहा भाई, मैंने कहा भाई जब तू इतना बड़ा गेमर है तो तू ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूमता है, ये नॉर्मल वाइट से, और ये क्या रहा भाई कपड़ों से कुछ नहीं होता, मैं गेमर हूँ ना, मैं देखता हूँ तेरे को बताऊँगा कितना अच्छा खेल सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई आ जा फिर, देखो भाई मेरे पास मैंने कस्टम बनाया था ये, तो फिर आप लोग देखना कि आप बनाना बल्कि कि ये कैसा कस्टम था। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख रखा है क्योंकि मेरा मतलब चैनल के नाम से अभी मैं अपना वो नहीं डाल पाया, क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी रीनेम कार्ड नहीं है। जब मेरे पास रीनेम कार्ड आ जाएगा उसके बाद मैं अपना देव लिनक्स कर लूँगा नाम चेंज करके ऑनलाइन से। अभी तो फिर आपने थंबनेल देख ही लिया है तो फिर देखते जाओ अब वीडियो। भाई ये बंदा काफ़ी मतलब बस देखते ही जाओ। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आपको और ऐसी कस्टम मैच चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़्यादा रहे। और इस वीडियो में भी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है, मतलब एक तरह से मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ फ्री फायर की क्लैश स्क्वाड से लेके कोई भी, मैं टिप्स ज़रूर देता हूँ तो आप टिप्स देना और स्ट्रैटेजी हमेशा बताता हूँ, तो आप देखते जाओ आपको मज़ा ज़रूर आएगा। अब भाई आप लोग देखो, अब यही इस तरीके से इसका गेम प्ले मैंने देखा ना कि इसको यही नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, ठीक है भाई। ऐसे बंदे जब अपने आप को प्रो कहते हैं ना तो मन कहता है ना कि बस इनको इतने ड्रैग हेडशॉट मारो ना कि ये बंदे सोच भी ना सके। भाई ये इस बंदे घूम रहा है ये देखो भाई, मेरे इतना गुस्सा आ रहा है, आपने देखा ही वही गुस्से में हम क्या करते हैं। आपको पहले ही पता कालहारी में भाई इससे बढ़िया कोई नहीं है। जो जो चाहे नए भी खेल रहे हो, नए प्लेयर हो चाहे पुराने, और उन्होंने कालाहारी मैप खेला है ना तो उनको ज़रूर पता होगा कि रिफाइनरी क्या जगह है, क्योंकि बरमूडा में पीक और कालाहारी में रिफाइनरी ये सबसे ज़्यादा फेमस जगह है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हिडन प्लेस बताता हूँ, मतलब ये हिडन प्लेस नहीं है, एक तरह से सर्वाइवल प्लेस है जिससे आप नीचे से, जैसे बहुत बार होता है बंदे नीचे से आते हैं सीढ़ियों से, जैसे वो जो नीचे वाली सीढ़ियों से, तो मतलब उनको मारने के लिए ताकि सामने वाला बंदा ना आपको मार सके और ना साइड वाला, आपको सिर्फ पीछे वाला ही मार सकता है। तो आप देखो और बताओ मेरे को कि आपको ये जगह कैसी लगी। अगर आपको ये जगह पसंद आती है तो एक इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और जगह देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको ऐसी और जगह देखनी है। और ये गेमर बंदा देखो, इस ये लोग कहते हैं कि हम गेमर हैं, देख रहे हो ये देखो ऐसे बंद, यही मैं कहता हूँ कि इन बंदों को ड्रैग है क्या भी मारे तो क्या मारे। और भाई अगर आप लोगों को, बहुत से बंदे जो नए खेलते फ्री फायर उनको ये नहीं पता कि कस्टम रूम कैसे बनाया जाता है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा एक कि कस्टम रूम कैसे बनता है। और आप लोग देखो ये वीडियो, और इसमें ये है कि जैसे सब लोग सोचते हैं कि अनलिमिटेड ग्लू होल कैसे यूज़ करते हैं, तो कस्टम में भी एक मतलब एक तरह से मोर एक ये है कि एबिलिटी या कुछ कुछ भी कह लो आप पे है कि आप कुछ भी कर सकते हो आप वो कस्टम में, उससे आपकी मतलब अनलिमिटेड एमओ हो जाएगी। वहाँ पे ऑप्शन होता है लिमिटेड एमओ और अनलिमिटेड एमओ का, वो आप पे है।
और भाई ये लिमिटेड एमओ और अनलिमिटेड थे ना, बंदे ये गलत चीज़ करते हैं, ग्रेनेड का यूज़। भाई जब 1v1 कर रहा तो ग्रेनेड का क्या यूज़ होता है भाई, ग्रेनेड। अब ये देखो भाई ये बंदा तुम ही देख लो भाई, ग्रेनेड फेंक रहा है, ग्रेनेड फेंक रहा है। अब पीछे तो देख भाई, पीछे देखो भाई, मैं फाइटर, मैं ऐसे मौके का फाइटर ढूंढूँ जब सामने वाला निहत्ता हो जाए। अभी मैंने क्या करा, बस उसमें ग्रेनेड फेंकने पे ध्यान नहीं रहा और मैं पीछे से जाकर मार गया। और एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको, इसमें ऐप में मतलब ये पता नहीं कौन सी जगह है, सेंटा ऐसी कुछ नाम है इसका। और इस जगह में देखना कि शिप के ऊपर जितने टाइम पे बंदे चढ़ते हैं, तो इसमें ये जगह देखना कि यहाँ पे एक तरह से उस बंदे को मारने का ऑप्शन क्या कर सकते हैं। अभी इस मैच में मतलब देखना कि मैं आपको बताऊँगा कि सामने वो देखो वो जैसे बंदा ना वो सीधा चढ़ गया ऊपर, अब देखना यहाँ से कि हम कैसे चढ़ सकते हैं। अब जैसे आप लोग देखो, अब मैं यहाँ पे चढ़ रहा था और मैं गिर गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल बैठ के यूँ जाना है और यहाँ पे ऊपर जंप करना है और यहाँ पे सीधा तेज़ भागते हुए जाओगे और यहाँ पे आराम से करके ये टूटे हुए के ऊपर कूदो एक बार और आप बैठ जाओगे। यहाँ से आप बंदे को डैमेज दो, बहुत बार बंदे मर जाते हैं। अभी मैंने पता नहीं डैमेज नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बंदा मैं आराम से मार देता, पर देखो आपको फिर भी एक जगह ये जगह से मारना आसान है काफ़ी। First blood. अब यही देखो फिर भाई, पीछे बंदे, बहुत बंदे होते हैं जो पीछे ध्यान नहीं देते और इसी का फ़ायदा बंदे ले जाते हैं। अब उस बंदे ने आगे तो गूगल मार ली, वो ये देख ही नहीं रहा कि ये घास तो है, यूकॉन की एबिलिटी लेके मैं घास तो बन गया, पर वो घास चल कैसे रही, तुम्हारा ड्रैगन शॉट लगा और बस बंदा ख़त्म। ऐसे कभी कभी लगता है कि भाई समझ नहीं आता कि ये बंदे क्या सोच के खेल रहे होते हैं भाई, सीधा मारे जाते हैं ऐसे ऐसे। अब देखो भाई यहाँ पे भी ये बंदा फिर से देखना, ये वही वाले काम करता है उल्टे काम। देखो आप बहुत समझ उल्टे काम का मतलब क्या क्या है। अब भाई आप लोग ही देखो यहाँ पे, जो जो बंदा क्लैश रॉयल खेलता है उसे पता है कि वहाँ इस प्लेस में उस जगह से सामने वाली जगह से यहाँ पे कभी भी वो आते ही नहीं है ग्रेनेड, फिर भी ये बंदा वो ऐसे काम कर रहा है उल्टे काम।
समझ गया ना, मैं ये उल्टे काम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी भाई ये बंदा मान ही नहीं रहा, फेंक जा रहा ग्रेनेड। देख रो ये है उल्टे काम। अब इसने ये करा, अब यही, अब मैं रश कर दूँ इस पर तो क्या होगा इसके साथ देखो। और फिर जब ऐसे बंदे बोलते हैं ना कि हम भाई प्रो है, तुमने हमारा नाम कॉपी करा है, तो फिर समझ आता है कि भाई क्या बंदे हैं। इसने सामने यहाँ तो ग्लूबल मार ली, अब सामने तो ये तो हो गया। अब ये देखना कि ये बंदा कितना तगड़ा प्लेयर है, जो क्या कर रहा है ग्लूबल के बीच में। ये देखो भाई क्या मतलब हुआ, अगर ऐसे बंदे मेरे को कहे ना कि तू मेरा नाम कॉपी करता है, तो भाई लाल आता है मुझ पर, मैं इनका नाम कॉपी करता हूँ। और पहली बार ना मैं इनका नाम कॉपी करता, ये कॉपी कैट है भाई। मेरी 57 लेवल की आईडी है और मेरे कुछ ही दिनों में आईडी अभी 58 लेवल की होने ही वाली है, और इस बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 लेवल की आईडी है। तो अब ये चीज़ आप मेरे को बताओ कि इसने मेरा नाम कॉपी करा है या मैंने इसका नाम करा कॉपी, जरूर बताना मुझे कि कौन कॉपी कैट है। First blood. गाइस एक और बात आपको बताता हूँ कि मैंने बीच में मतलब जैसे होता था कि किसी कारण से मैंने 6 महीने के लिए फ्री फायर को मतलब खेलने बंद कर दिया था मैंने। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे लेवल की आईडी बढ़ती नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी बीच में 2 महीने पहले गेम खेलना बंद कर दिया था, और फिर उससे भी 2 महीने पहले, ऐसे मेरे 2-2 महीने का गैप होकर 6-7 महीने हो ही गए थे। उस वजह से मेरी लेवल बढ़े नहीं आईडी में, ये वाली प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। क्योंकि मेरा मतलब क्या, मेरे को मन नहीं करता था बिल्कुल गेम खेलने का, मज़ा भी नहीं आने लगा था, और इस वजह से मैं खेलना मैंने बंद कर दिया। अब ये नहीं तो अभी जो ये बंदे ने मेरे को बोला ना, अभी मेरी 60 से ऊपर लेवल की आईडी होती, 60 से ऊपर, अभी मेरा 63 या 64 लेवल होता, अभी मेरा अभी 58 भी हो जाएगा मेरे कुछ दिनों में। और भाई ऐसे बंदे जब तुम्हें 15 या 14 लेवल के बंदे आके तुम्हें बोल देंगे तुम कॉपी हो, तो भाई सोचने वाली बात है कि क्या सोच के ये बोल दे। अब देखो आप ये फिर वही वाले काम करेगा आज, उल्टे काम फिर दोबारा करेगा, ये देखना एंड में चलते चलते। और भाई ये लोग तो सब सब मतलब जो भी प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर है फ्री फायर में, उन सबको इतना तो पता ही है कि जो बंदी बंद करते हैं कस्टम में, उनको पता है कि कभी भी कस्टम में ग्लूबल से ग्लूबल यूज़ करी जाती है, स्मोक यूज़ करा जाता है पर ग्रेनेड यूज़ नहीं करा जाता, और ये बंदा ग्रेनेड ही यूज़ कर रहा है नॉर्मली। भाई इसने यहाँ देखो, अब मैंने इसे मारा, ये छुप गया, और मैं किस वजह से मारा ग्रेनेड से। अगर अगर इसका ग्रेनेड नहीं होता तो फिर ये जीत जाता ये वाला मैच, बिल्कुल नहीं भाई। ये दिक्कत होती है कि बंदे ग्रेनेड यूज़ करते हैं और उसी वजह से ये लोग जीतते हैं ये ग्रेनेड। और फिर भाई ऐसे बंदे बिल्कुल ना, ये प्रोधान है, ये कुछ नहीं है, ये बोट बोट है एक तरह से मान के चलो, बोट या लूट कर लो। क्योंकि भाई कस्टम में अगर तुम ग्रेनेड के सहारे खेलते हो ना, तो फिर तो भाई तुम क्या हो, ये कुछ नहीं कह सकते, तुम देख ही रहो भाई। अब
इस वाले राउंड में मेरे को थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हुई थी, तो पता नहीं क्या हो रहा था मेरे, ये बंदा हुआ क्या हुआ, ये बंदा एक ही जगह अटक गया था। उसके बाद देखा भाई आपने, उसके बाद ये भी गेम कहीं और चला गया। तो यही बात है, मैंने कुछ प्रॉब्लम से दिया, अचानक से ग्लिच भी मांग लो हुआ था, पर भाई हो ही गया, मतलब सेटल हो ही गया एंड पे। ये वाला मैच देखो, और फिर ये लास्ट राउंड है, इसमें देखना कि भाई ये मतलब ये लास्ट राउंड नहीं, मतलब एकदम से अगर आप बताओ कि ये मेरे लिए लास्ट राउंड होगा या नहीं होगा, क्या मैं इसी तरह से हारूंगा या मैं जीतूंगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी तरह से लगातार हार गया, कुछ भी कह सकते हैं भाई, आगे का है, तुम पूरी वीडियो देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि मैं हारा या जीता। मैं 6 तो जीत ही चुका हूँ, अब देखो 3 ये जीता है, और वो भी 2-3, 2-1 तो कर सारे जीता ये ग्रेनेड के। और भाई स्ट्रेटेजी देखो बंदे की कितनी तगड़ी है, तुम देखोगे ना कमाल भाई, वाह वाह स्ट्रेटेजी है इसकी, वाह स्ट्रेटेजी। ठीक है, बंदा वहाँ ग्लूबल मार के वहाँ सरेआम भाग रहा है, वहाँ ग्लूबल मार रहा है, कहने वाली बात है, वहाँ ग्लूबल मार रहा है ताकि सब देख ले उसे। ठीक है, अब भाई देखो, अब भाई सीधा तो मैं उससे भिड़ने नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की साइड है, मैं नीचे हूँ, मेरा सीधा हेड लगेगा ही, चाहे ड्रैग ना ही भी लगे, ड्रैग जरूरी नहीं है ऊपर लगने के लिए। अब यहाँ पे ऊकों की एबिलिटी इतना काम नहीं आई, तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से, अभी तक तो ऊपर था, पता नहीं कब नीचे चला गया, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला। फिर मैंने यहाँ देखा, ये देखो हर जगह देखा, मैंने साइड में भी देखा, मेरे को नहीं दिखा, फिर अब नीचे जाऊँगा, अब नीचे जाता हूँ, फिर देखते हैं नीचे होगा। अब पता नहीं कहाँ चला गया एकदम से, देखो नीचे भी नहीं है, यहाँ पे भी ग्लू वॉल मार रखे अपन, नीचे है ही नहीं। वाह भाई, 1 मिनट में ये बंदे गायब होते हैं। अब फिर यहाँ पे भी नहीं छुपा बंदा, अब कहाँ जा सकता है, अभी एंड में देखना कि निकलेगा कहाँ से। और ये वो होता है ना, फिर वो ये फालतू वाले काम करता है, उल्टे काम, अभी देख लो यहीं पता चल जाएगा कौन सा उल्टे काम की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अभी अभी बंदा निकल के सबसे पहले ग्रेनेड ही फेंकेगा। अबे भाई क्या बंदा है तू, वो देखो वो देखो, इसमें शॉट, अब इसके बाद लगा, अभी ग्रेनेड ही फेंकेगा भाई, बंदा इतना बेकार है यार, अभी भी ग्रेनेड फेंक रहा है, अभी भी इतना तो संभाल। अब भाई मैं इतना समझा कि वहीं कर रहे अपने ग्रेनेड, अपने ग्रेनेड भाई सलाम, हम तो हॉकी है भाई सलाम। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों ने देख लिया है कि मैं जीत चुका हूँ कस्टम रूम, और इसी के साथ ये वीडियो हो गई है ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, और आप कौन से गन का अटैचमेंट के जल्दी से जल्दी चाहिए, ये मेरे को ज़रूर कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।